गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हो, अभी तो मार्केट में 9 बज रहे हैं, मार्केट तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो सारे लेवल्स है ना वो रेडी हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारे रेड लाइंस पर मेरा जो भी होता है वो कॉल बेचने का होता है, ग्रीन लाइन्स पर मेरा जो भी होता है वो पुट बेचने का होता है, और ब्लू लाइन्स में मैं कॉल पुट दोनों बेच सकता हूँ। वो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, और वही सेम चीज़ इसमें भी करूंगा और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी करूंगा। तो ये हमारे सारे लेवल जो है वो मार्केट खुलने से पहले ही रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और इसी लेवल्स पर मेरा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस या एक्सटेंडेड सपोर्ट बनेगा, ठीक है, और उसी पर मैं काम करूंगा। बाकी का भी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है निफ्टी में, तो मैं चलता हूँ निफ्टी में काम कर लेता हूँ पहले। कॉल बेचना है ना, तो ये वाला थोड़ा सा ओटीएम बेचूंगा, ताकि थोड़ा सा बेटर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड भी रहे। आज इसकी एक्सपायरी है ना, आज इसकी एक्सपायरी है 9 मई को। थोड़ा सा ओटीएम बेचने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं। टाइम देख लो, 9:40 पर दिया हुआ है, अब वेट करना है, ठीक है। फिलहाल तो अभी प्रॉफिट चल रहा है 100, 150, 200 का, इससे कोई फ़र्क नहीं है अपने को। 200-300 को ट्रेड के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से डाउन का मोमेंट देता है ना अच्छा खासा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा और ज़्यादा डाउन जाए तो मैं अपना ट्रेलिंग कहीं ना कहीं जाकर एक्सेप्ट करके होल्ड करूँगा मार्केट में, ताकि मेरे को बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सके। बाकी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने ट्रेड क्यों किया, क्योंकि देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ कहने के ऊपर गया ऊपर की तरफ। ये ब्लू लेवल्स हमारे लिए आज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, सेलिंग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सेल का प्लान बना लिया, और कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ही छोटे लेवल के साथ एंट्री करी हुई है। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा बहुत ही साइडवाइज करे या फिर थोड़ा बहुत भी नीचे जाए तो भी मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। बाकी का वेट करना तो बनता है, देखते हैं क्या होता है। मेरे को 500 से 600 का समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और एंट्री करने के बाद से ही मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ तुरंत, क्योंकि लॉस नहीं दिखा है। ये इसके वजह के ये है क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी भी है, और साथ ही साथ ये कहने के मेरे फर्म में ज़्यादा हुआ दिख रहा है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी मेरे को प्रॉफिट चला लगभग 1700-1800 के आसपास का, और ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर क्या है, मार्केट वहीं पर चल रहा है लेकिन प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। अब इसे समझो कि मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप थोड़ा सा टाइट रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ। इस लेवल के नीचे जब तक रहना तब तक मैं होल्ड करूंगा, इसके ऊपर जब जाएगा तो मैं पुशअप करूंगा, अदरवाइज मैं नीचे के लिए होल्ड करूंगा, ताकि मार्केट नीचे के लेवल टारगेट दे दे। अदरवाइज टाइम स्पेंड भी करेगा ना, तो भी मेरे को प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं है। अभी देख सकते हो 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। देखो मेरा कोई बैड कंडीशन नहीं है, बैड कंडीशन अभी यही है कि जो प्रॉफिट मेरे को 2000 दिख रहा है, हो सकता है मुझे 1500 बुक करना पड़े, हो सकता है मेरे को 1200 में बुक करना पड़े, हो सकता है मेरे को 1000 रुपये में बुक करना पड़े। यही मेरा बैड कंडीशन है, मतलब बैड कंडीशन में भी मैं प्लस की तरफ ही रहूँगा। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। और अगर नीचे की तरफ गया तो ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ते हुए जाएंगे, इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं भी क्या होता है। फाइनली देखो 2600-2700 समथिंग का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट देखो, मैंने ये अनुमान लगाया था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट में पोजीशन कर लूँगा, लेकिन मार्केट एकदम एग्जैक्ट वहीं बनाने के बाद गिर गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से हटा करके ट्रेलिंग इधर कैसे लगा लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे, ताकि मैं एक और ज़्यादा सेफर साइड बना रहा हूँ। देखो इसके पीछे का 2-3 रीज़न है। रीज़न नंबर 1, पहले तो मैं कोई भी सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं बस देखता रहता हूँ। देखो यहाँ पर स्विंग बनाया, पहले चीज़ को समझो, स्विंग बनाया ऊपर गया, स्विंग बनाया ऊपर गया, स्विंग बनाया ऊपर आया, स्विंग बनाया नीचे आया, हर स्विंग बाई स्विंग में क्या करता हूँ, टेल करता हो जाता हूँ। अब ये स्विंग था, यहाँ पर मैं टेल नहीं लगाऊँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ। क्यों पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे बाइंग करने के एरिया है, मेरा व्यू अब हो गया है ऊपर का, लेकिन अभी एंट्री नहीं बनी। जैसे ही एंट्री बनेगी ये मैं पोजीशन काट दूंगा, ठीक है, चाहे भले मेरे को 2000 का प्रॉफिट क्यों ना हो, भले मेरे को मार्केट अभी 3000 का प्रॉफिट दिखाए, लेकिन अभी मैं नहीं एग्जिट करूँगा। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में ये लेवल्स भी टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा, उसके बाद स्विंग बनाएगा, तो मैं ट्रेलिंग सीधा सीधा यहाँ कर लूँगा इस बार, ठीक है। इस तरह से मैं ट्रेलिंग करते हुए जाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए ट्रेलिंग का एरिया जो मेरा है वो इधर के आसपास का है, इसके नीचे जब तक है तब तक मैं होल्ड करूँगा, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी की बात करोगे आप तो अभी 2600-2700 का प्रॉफिट चल रहा है, यह प्रॉफिट बढ़ा हुआ अभी तक, लेकिन एक चीज़ समझो, एक्सपायरी है ना, तो धीरे 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 प्रीमियम में गलते हुए जाएंगे, कम ही होते हैं। ऊपर भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 1-2 पॉइंट बढ़ जाए वही बहुत है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी आज ही है 3 बजे के आसपास, तो ये ऐसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 22200 पे चल रहा है और हमने 22250 का बचाया, ये ओटीएम अभी ही हो गया है। तो जितने भी 30 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, ये सब केवल और केवल टाइम की वैल्यू है। अगर मार्केट यहीं पर भी खड़ा रहे और मार्केट में बज गए 2, तो ये 0 हो जाएगा अब तक। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। तो अभी वेट कर रहे हैं, स्पेशली वेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक प्रॉफिट हो जाए बढ़िया सा, अदरवाइज इसके ऊपर गया तब तो पोजीशन मैं काट ही दूंगा। इसके ऊपर अगर जाने लगा
तो पोजिशन इधर करने में ही समझदारी है, अदरवाइज इसको ब्रेक करके नीचे गया ना तो ट्रेलिंग फिर यहाँ कर लूँगा जैसे अभी जा ही रहा है, और उसके बाद ये लेवल्स के मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। मेरे टारगेट हमेशा बढ़ते हुए जाते हैं और स्टॉप लॉस हमेशा घटता हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर के अब यहाँ पर आ गया, टारगेट मेरा यहाँ से लेकर के अब यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी कारण है कि मैं बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकलता हूँ। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और जितने लोगों ने MTP 2.0 कर एकदम आगे करके रखा है उनकी खुद भी एंट्री टॉप पर बन गई है, वो खुद भी इस ट्रेड का प्रॉफिट अच्छा खासा ले रहे होंगे मुझे उम्मीद है। बाकी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, पहले चीज़ों को समझो। अब जो मेरा ट्रेलिंग लगेगा ना, वो ट्रेलिंग पता है कहाँ लगेगा, वो ट्रेलिंग में लगाऊंगा इस लेवल के आसपास। इसके ऊपर जब तक, इसके नीचे जब तक है तब तक मैं होल्ड करूंगा। अगर इसके ऊपर गया तो मैं पोजीशन काटूंगा, इसके नीचे जब तक है तब तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। अभी के लिए प्रॉफिट 2800 से 3000 समथिंग का चल रहा है, मान लो ऑलमोस्ट 3000 पहुंच ही गया है। अब ये लेवल्स मेरे टारगेट चले हैं दिमाग में, अब देखते हैं पहले टारगेट मिलता है। देखो नीचे चला गया पहले तब तो होल्ड करूंगा, अगर ऊपर चला गया तो पोजीशन यहाँ पर कट के निकल जाऊंगा, ठीक है। सीधा सा बात है, अभी वेट करना बनता है। आपने देखा अभी मैंने बोला कि ट्रेलिंग में यहाँ लगाऊंगा और मार्केट वहीं से गिर गया, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, अब ट्रेलिंग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर या तो नीचे मेरी बाय की कोई एंट्री बन जाए। देखो व्यू तो मेरा बुलिश हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह हर लेवल पर मेरा बाय ही करने का है। अगर ऐसे करोगे तो ये जितने ग्रीन लेवल्स हैं सब पे बाय करोगे, समय नुकसान होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब किस लेवल को इग्नोर करना है। तो यहाँ पर कुछ एंट्री करने के रूल्स हैं, वो रूल्स अप्लाई ही नहीं होंगे बाय करने के लिए, ठीक है। वो रूल्स बनेंगे ही नहीं, और अगर बनेगा तब मैं ये प्रॉफिट को बुक कर लूँगा, अदरवाइज सिंपली मैं ट्रेलिंग करूँगा। अभी 3500 के आपका का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो एक चीज़ तो आप समझ ही गए होगे, अब मैं नुकसान नहीं लूँगा। मान लो किस कंडीशन में मेरे को नुकसान होगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तब, ठीक है। ऊपर जाएगा तो मैं इधर के आसपास बने पोजीशन अभी के लिए फिलहाल काट लूँगा। तो 3500 का जो प्रॉफिट हो सकता है मेरे को 3000 बुक करना पड़े, यही मेरा बैड कंडीशन। अदरवाइज अगर ये नीचे जाता हुआ गया तो मेरे को अधिकतम प्रॉफिट कितना हो सकता है पता है आपको? अधिकतम प्रॉफिट मेरे को ये हो सकता है जो 2100 का प्रीमियम है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब अभी कितना होगा, 25 लॉट हो गया ना, 100 लगभग 2000 का प्रॉफिट और हो सकता है। मतलब पूरा 5500 का समथिंग का प्रॉफिट मेरे को हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करके रखा हूँ मैं। यहाँ पर हो गया ना, अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे जाए, तो मैं स्विंग पर इधर पर एकदम करेंटली शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। या तो लास्ट में मेरा ट्रेलिंग हिट हो जाए पहला कंडीशन, तब मैं पोजीशन काट दूँ। अदरवाइज मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पर कोई नीचे बॉटम में बाई की अपॉर्चुनिटी दे तब ये मैं पोजीशन काट दूँ, ठीक है। क्योंकि बाई की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मार्केट का चांसेस यही होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अब कोई ट्रेड नहीं लेना है मेरे को, अब केवल केवल प्रॉफिट बुक करना है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप टॉप बॉटम तो बोलते हो, लेकिन मार्केट का टॉप कौन सा बॉटम कैसे कैसे पता करें? तो देखो उसके लिए तीन क्राइटेरिया, पहला तो ये लेवल्स निकल गए तब आपको पता तो चल गया कि कब आपको कहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये रेड लाइंस बन गए, ब्लू लाइन आज का हमारा सेलिंग का व्यू था यहाँ पर, ठीक है। फिक्स हो गया सेलिंग का। टॉप कैसे बना, टॉप यहाँ पर इसलिए बना क्योंकि देखो जहाँ पर हमने एंट्री करी मार्केट वहीं से अगर पूरा का पूरा डाउन चला गया तो वो मान लो कि वो टॉप बन गया है, ठीक है। और आप कैसे पता करोगे, इसके लिए इसके पीछे का आपको रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे कि मार्केट रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर सेलिंग के क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, जो 4-5 रूल है वो सारे रूल्स जब दिन पता चल जाएगा आपको, उस दिन आप खुद भी टॉप पकड़ लो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लोगे सिंपल एकदम A to Z। क्योंकि ये सब का सब देखो मेरे जितने भी सिस्टम है ना वो सब रूल्स वैसे प्योरली रूल्स वैसे 100% रूल वैसे। ऐसा कभी कुछ भी नहीं बोलूंगा कि मैं कि भैया देखो आज ग्रीन लाइन पर तो आया लेकिन आज यहाँ पर मैं सेल करूँगा, सपोर्ट टूट गया ना तो मेरे को यहाँ पर सेल करना है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। हमारा रूल्स फिक्स है कि मार्केट कैसा भी हो, किस दिन कोई सा भी हो, कंडीशन कोई सा भी, इवन न्यूज क्यों ना हो, ग्लोबल मार्केट मेरे अगेंस्ट करना हो, OI क्यों ना मेरे अगेंस्ट हो, हमारे जो रूल्स बनेंगे मैं वही करूंगा। और हर दिन के लिए एक ही रूल है, और यही कारण है कि मैं मार्केट का टॉप एंड बॉटम पकड़ लेता हूँ। अगर मैं हर दिन स्ट्रेटजी चेंज करूँ, मार्केट देखो हर मिनट कुछ ना कुछ नया चीज़ दिखा देगा, कहीं ना कहीं कोई ब्रेकआउट दिखा देगा, कहीं ना कहीं कोई फेकआउट दिखा देगा, कुछ ना कुछ दिखाता ही रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर काम करना है और किस पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तो मैं टॉप बॉटम पर शिफ्ट हो चुका हूँ पूरी तरह से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ट्रेलिंग हटा करके मैं यहाँ कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि देखो मार्केट में ऑलरेडी मैं बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। और अब प्रीमियम कितने बचे हुए, पहले आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं तो ये 1900 रुपये, यही जीरो होगा। अब ये जीरो अभी नहीं हो सकता, ये जीरो होने के लिए इसको मार्केट में 2-3 बजे जाएंगे। तो अगर ये 1900 रुपये का है, ये थोड़ा सा और कम हो जाए जैसे 15 हो जाए या फिर 10 हो जाए, तो मैं इसी के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ट्रेलिंग कर लिया, अब दो कंडीशन है, या तो मार्केट इसके ऊपर चला जाए तो पोजीशन काट दूँ, या फिर यहाँ पर टारगेट दे तो पोजीशन काट दूँ, या फिर कोई बॉटम में बाइक अपॉर्चुनिटी दे दे। तीनों के तीनों कंडीशन में कुछ भी होगा तभी तो पोजीशन काटूंगा। एग्जिट करने का भी कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कोई सेंस तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली
काफ़ी सारे लोग ये भी डरते हैं कि अरे यार मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। भैया अगर आप सही जगह पर एंट्री कर रहे हो, अगर राइट जगह पर एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट में होल्ड करने की नौबत आएगी। जैसे मैंने टॉप पकड़ लिया तो यहाँ से मार्केट देख सकते हो आप स्मूथली गिरता हुआ जा रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट में होल्ड करना है। अगर मैं कहीं बीच में एंट्री करता, ठीक है, तो पहले मार्केट मेरे को लॉस दिखाता फिर प्रॉफिट दिखाता, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। एसएल में जाएगा तो सिंपल छोटा सा एसएल जाता है मेरा, और प्लान भी हमेशा रेडी है कि उस एसएल को कैसे रिकवर करना है, कहाँ पर करना है, निफ्टी में करना है कि फिर निफ्टी में करना है कि बैंक में करना है, वो सारे रूल्स का पार्ट है। रूल्स हमने देखो, मैं ट्रेड लेने से पहले मेरा मेंटली सब कुछ प्रिपेयर है, पेपर पे लिखा हुआ है कि मुझे वही वही करना है। जैसे ये लेवल्स आप देख रहे हो कि मार्केट खुलने से मैं पहले रोज बता देता हूँ आप लोगों को, हालांकि ये वीडियो आप लोगों को मार्केट बंद होने के बाद मिलती है सारी वीडियो। और एक चीज़ मैं आपको सभी लोगों को बता देता हूँ, देखो मेरा कोई भी पेड प्रीमियम टेलीग्राम ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर मैं कोई टिप दूँ, रिकमेंडेशन दूँ, कोई लेवल दूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। मेरे नाम पर अगर कुछ अलग चैनल आप ज्वाइन कर लियो तो उसको तुरंत रिपोर्ट करो, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सअप कर दो और उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं ये सब काम करता ही नहीं, डे वन से नहीं करता। आपको मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर 8,900 सब्सक्राइबर है, उसी को ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसी मेरे को जो बोलना होगा मैं बोलूँगा। और कोई टिप रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं देता, क्योंकि देखो टिप रिकमेंडेशन से आप एक दो दिन तो प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन जब तक आपके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, अगर ये लॉजिक पता चल जाएगा ना, तो आप इसको निफ्टी में भी लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में लगा सकते हो, फिर निफ्टी में लगा सकते हो, खुद से ट्रेड कर सकते हो, खुद के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो, खुद मतलब सारा कंट्रोल आप सीख सकते हो। टिप रिकमेंडेशन में क्या होगा कि आप एक दो दिन प्रॉफिट करोगे, आपको वो लग जाएगा, वो शॉर्टकट लग जाएगा, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये कोई जादू की बूटी ऐसे लगाया काम हो गया, ठीक है। अभी के लिए ट्रेलिंग यहाँ पर है, थोड़ा सा मार्केट और कर ले, क्या मार्केट के लिए पता है आपको, बस थोड़ा सा जैसे यहाँ पर है ना, ये कैंडल और गिर जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, स्विंग बना के फिर नीचे चला जाए तो मज़ा आ जाए, फिर मैं वहीं पर ट्रेलिंग लगा के होल्ड करूँगा। टारगेट ये लेवल बता रखे मैंने आपको ना, यहाँ से टारगेट मैंने क्या बोला, टारगेट बढ़ते हो जाएंगे, यहाँ से टारगेट दिया, टारगेट दिया, अभी इसके करीब है, तो टारगेट हमेशा बढ़ते हुए जाओ, टारगेट बढ़ाते जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है, मैटर किस पे करता है पता है आपको, देखो दो चीज़ें हैं, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, आ जाओ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। जैसे सपोज दैट अगर आप यहाँ पर ट्रेड करो, मैं मान लो कि मैं पहले कैंडल पर ट्रेड कर लिया, तो मेरे को स्टॉप लॉस मिले 46 पॉइंट का, ठीक है, तो मेरे लिए टारगेट कितना मिला, मेरे लिए टारगेट मिला 130 पॉइंट का, लगभग 1:3, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब मान लो कोई बंदा इसी दिन को कोई देखता है ट्रेड लाइन के हिसाब से, जैसे यह ट्रेड लाइन था या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी था, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पर सेल करेगा, तो उसके एसएल जाहिर सी बात है कि बड़े होंगे, तो उसके लिए प्रॉफिट का एरिया केवल कितना है, उसके लिए प्रॉफिट का एरिया है केवल 60 पॉइंट। अगर मैं इसको सेल करता था यहाँ पर, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा ऊपर सेल कर रहा था, तो मेरा प्रॉफिट था 130 पॉइंट। तो अगर जो बंदा नीचे सेल करेगा ना, उसके रिस्क बड़े होंगे, तो ऑलरेडी रिवार्ड छोटा हो जाएगा। देखो दो ही चीज़ है, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ा, अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर करना है, तो या तो दो चीज़ काम करो, देखो या तो आप करो प्रॉफिट बढ़ा लो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा लो, ठीक है, तब आपका रिस्क बस बढ़िया होगा, या फिर उसके उल्टा आप अपना लॉस छोटा कर लो। आप जानते हो कि आप प्रॉफिट तो आपके हाथ में नहीं है कि भैया मार्केट कितना पॉइंट आपके फेवर में जा सकता है, ये तो कोई नहीं जानता, देखो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आपको लॉस तो पता है ना, एंट्री करते आपको एसएल तो फिक्स हो जो होता होगा ना कि एसएल कहां पर है आपका, तो आप अगर एसएल स्मॉल कर लोगे तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा और आपका रिस्क रेशियो हायर हो जाएगा। अभी की अगर बात करोगे तो अभी यहां पर चल रहे हैं, अभी मेरे को समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि अब मैं ट्रेलिंग जो है वो अपना कर लेता हूँ नीचे की तरफ, इधर के आसपास से, ठीक है, इधर के आसपास सेट कर लेता हूँ, ये ग्रीन लाइन के ऊपर जब तक है, नीचे है तब तक मैं होल्ड करूँगा, अदरवाइज इसका ऊपर जाएगा तो मैं उसमें काटूंगा। अब दो देखो प्लान अब एकदम मेरा सिंपल सा है, मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर गया ना तो पोजीशन काट दूंगा सीधा समझो, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। अब ये जो 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट बचा है ना, इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, भयंकर वाला 18 पॉइंट का प्रॉफिट लेने के लिए ना मेरे को लगभग लगभग 2 घंटे बैठने पड़ेंगे, क्योंकि ये जीरो होगा ही नहीं जल्दी से, भले मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे क्यों ना गिर जाए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं एक सेफर साइड प्लान कर रहा हूँ, प्लान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एसएल एरिया होगा, मतलब ट्रायलिंग एसएल मान सकते, क्योंकि अगर इसके ऊपर गया तो पोजीशन काट दूंगा, क्योंकि मुझे पोजीशन तो ऐसे भी बुक करनी है, अब या तो यहाँ पर आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, नीचे कोई बॉटम में बाई का सिग्नल है तब तो मैं पोजीशन बुक करूँगा, या फिर इसके ऊपर जाए। देखो ऐसे कैसे मुझे पता चल जाएगा कि इतना पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि देखो ये 18 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, अब इसको जीरो तो होना है क्योंकि ये ओटीएम हो चुका है, लेकिन जीरो होने में अभी बज रहा है समय 10:30, अब मार्केट 3:30 पे क्लोज होगा, ठीक है, तो अभी इसके पास कितना समय है, लगभग लगभग 5 घंटे, अभी 5 घंटे मार्केट में समय है, तो 5 घंटे में ये जीरो होगा, ठीक है। तो अगर अभी मान लो मार्केट गिरा बहुत ज़्यादा, तो ये 18 का प्रीमियम हो सकता है कि आपका 12 हो जाए, 11 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन ये जीरो तो नहीं होगा,
ठीक है, तो कभी भी मैं प्रीमियम जीरो होने का वेट नहीं करता हूँ, आज आप लोग को भी बता दिया ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बाकी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट तो अभी चल रहा है, यहाँ पर अभी समय बज रहे हैं 13 बजे से 13 मिनट, मतलब 1 बज रहे हैं, और हमने अपने पोजीशन को तो स्क्वायर ऑफ कर दिया है, जैसे टोटल कहीं ना कहीं 3,800 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। एक बार मैं आप लोग के साथ रिफ्रेश कर दूँ, फिर आपको सारी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो 3,800 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है मेरे को। और अभी आ जाते हैं मार्केट में, देखिए जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से, ये निफ्टी का चार्ट है, जब मार्केट कहीं ना कहीं पुल बैक लेने का ट्राई किया हुआ, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सेफर साइड को चूज करते हुए अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया इधर के आसपास, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इस समय 4,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मार्केट में पोटेंशियल था 1,200 का प्रॉफिट मेरे को और हो जाता। अगर मैं अभी तक रुका होता तो मेरे को 1,200 का प्रॉफिट और हो जाता, लेकिन वो 1,200 का प्रॉफिट होने से पहले मेरे को ये एक झटका फेस करना पड़ता, और मैं कभी भी पर्सनली देखो प्रीमियम को जीरो होने का वेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने डिसेंस अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया हुआ है हल्का सा, तो मैंने यहीं पर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें मेरे को 3,800 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि मेरा टारगेट ये वाले लेवल से, ये वाला भी लेवल हो गया, ठीक है, अब इसके नीचे के भी टारगेट ये लेवल्स हो जाएंगे। तो ये काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इतना सारे लाइन्स, इसका क्या बेनिफिट? देखो ये लाइन्स का बेनिफिट यही है कि अगर एक बार आप एंट्री ले लोगे, इसे मैंने यहाँ पर इसको रेड बांध करके एंट्री कर लिया, ठीक है, तो अब ये जितने भी नीचे नीचे ग्रीन लेवल्स है, ये सब मेरे के मेरे टारगेट होते हो जाएंगे, ठीक है। जब भी प्लान बी के अकॉर्डिंग नीचे बॉटम में अगर बाई की एंट्री बनेगी, देन ये पोजिशन को एग्जिट कर देना मैंडेटरी है, अदरवाइज सिंपली मैं ट्रेड करके होल्ड कर लूंगा, जैसे मैंने होल्ड किया है। तो मैंने बहुत ज्यादा इजिली ये मूव को कैप्चर किया है, और ठीक है 1,00,000 रुपये लगा करके अगर 3-4% दिन में आ जा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा कम था, खासतौर से क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी भी थी। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो मार्केट ना बहुत ज्यादा ईजी है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है, हम लोग थोड़ा सा चीजें गलत कर देते हैं जिसकी वजह से मार्केट में भुगदंड भोगना पड़ता है, तो थोड़ा सा जैसे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ना, तो आप भी मार्केट का बेटर जगह पर। देखो मेजर जो इशू है ना, मेजर मार्केट में एंट्री का ही इशू है, क्योंकि अगर गलत जगह एंट्री कर रहे हो तो ये समझ लो कि लंका लग जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर टॉप के आसपास पकड़ लिया, तो मेरे को प्रॉफिट में होल्ड करना पड़ा। अगर किसी गलत एंट्री हो, गलत साइड एंट्री हो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पुट भेज दो, तो उनकी वाट लग जाएगी, ठीक है। तो एंट्री कब करना है, कहाँ करना है, किस साइड करना है, क्यों करना है, ये सारे फिक्स रूल होने चाहिए। कितना ज्यादा छोटा एसएल करके एंट्री करिए उतना ही बढ़िया है। ये सारी चीजें एमटीपी 2.0 करेक्ट द मार्केट में मैं ऑलरेडी सिखाता हूँ, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो देन मैसेज कर देना मेरे को।